वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंग एस्ट्रो। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नाखूनों पे बनने वाले आधे चांद के विषय में। और दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको चांद बनने और न बनने की स्थिति में जीवन पर होने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया होगा। तो आज जरा मैं इसे क्लियर कर दूँ खुद से भी, क्योंकि जैसा कि आप नहीं जानते होंगे कि मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। तो हर एक चीज़ जो है ना, वो हमेशा एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड होती है। तो नाखून के जो भी निशान है ना, ये ज़्यादातर को रिलेट करते हैं आपकी हेल्थ से। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्मार्ट बंदे आपको बता देंगे कि हाँ, इस पर अगर आधा चांद है तो इससे ये फ़ायदा है, इस पर नहीं है तो इसका ये नुकसान है, या इस पर ऐसा है तो ये नुकसान है, या इस पर व्हाइट स्पॉट है तो ये प्रॉब्लम है। क्या होता है कि सब कुछ ना एकदम पूरी तरीके से आपके नाखून की स्थितियाँ, चाहे आपके अंगूठे के हो या बाकी उंगलियों के नाखून हो, सबकी स्थितियाँ आपके पूरी तरीके से आपके हेल्थ पर निर्भर करती है। उंगलियों के नाखूनों की स्थिति देख के आपके हेल्थ के बारे में हम पता करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर व्हाइट स्पॉट है, मतलब क्या है, बॉडी का मेटाबोलिज्म बहुत टकाटक काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक जगह से सब सही है। मान लो कि यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं है, तो मतलब मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है और जो भी चयापचय की क्रिया है उसमें प्रॉब्लम है, थायराइड्स वगैरह जो भी हार्मोन्स ये करने चाहिए वो सब नहीं हो पा रहे हैं, तो रिलीज नहीं हो पा रहे, इस कारण थोड़े से उठापटक बॉडी में आपके हो रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा कि अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो आपने स्ट्रेस होनी है, अपने काम में मन नहीं लगना है, थकान होनी है। जब आप स्ट्रेस में रहोगे, कोई अच्छी भी बात कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ गुस्सा होकर कुछ बोल दोगे। इस कारण क्या होगा कि आपके लाइफ में कुछ ट्रबल्स आ जाएंगे। कोई बड़े लोग अगर हो, आपसे सीनियर हो, आपने कुछ बोल दिया, चूंकि आप गुस्से में हो, सर में दर्द है, बहुत परेशान हो, चिड़चिड़े हो गए हो हेल्थ इश्यूज के कारण, आपने कुछ बोल दिया, अब क्या होगा कि वो उसे पकड़ लेगा और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप लोग सोच लोगे कि यार मेरे ग्रह आजकल सही नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप ये वीडियो देखोगे, फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ, आधा एनएस नहीं हो तो ऐसा होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए हर एक चीज़ों को आप एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको आज बता दूंगा कि वास्तविकता में हमारे नाखूनों पे बनने वाले चांद के क्या कारण है, उससे क्या फ़ायदा है, या अगर नहीं बने तो उससे क्या नुकसान है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट हो जाए, सीधी लाइनिंग हो जाए, तो उसका क्या मतलब है। इसके अलावा अगर कोई व्हाइट स्पॉट यहाँ पे आ जाता है तो उसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधे चांद के बारे में कि अगर आपके अंगूठे या बाकी उंगलियों पर आधा चांद बनता है तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, अगर कहीं भी आपकी नेल्स पे आधा चांद का आकार उभर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का एकदम परफेक्ट रहता है, एक्यूरेट रहता है, थायराइड्स जो ग्लैंड है उसका जो भी हार्मोन्स वगैरह है सब कुछ सही तरीके से बॉडी में मूव करते हैं। इस कारण आपके जो डाइजेशन वगैरह है सब कुछ आपके सही रहते हैं, सब कुछ मतलब जो भी आपके एंटायर बॉडी के जो भी पंप्स हैं सब सही से काम करते हैं और आपकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब जब भी ये निशान है तब तक समझो कि आपके हेल्थ रिलेटेड इशू, जो भी बॉडी इशू है, वैसा कुछ आपके साथ अभी नहीं चल रहा है, सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ सही है। लेकिन मान लो कि इसमें जैसे इतना बड़ा है ना, मान लो कि यहाँ पे ये इतना बड़ा ना हो कि इतना बड़ा हो, छोटा सा हो, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा आपकी इम्यूनिटी से संबंधित आपके समस्या आ सकती है, इम्यूनिटी लूज होगा, इस कारण आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा, इस कारण स्ट्रेस भी आपको होगा, मेटाबोलिज्म पर भी इसका असर पड़ता है। तो इस कारण ये थोड़ी सी आपके अंदर जो एलर्जी है उसको बयां कर रही है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं हो तो वैसे में क्या होगा, तो ये सबसे पहले आपके वीक थायराइड को दर्शाती है कि आपका थायराइड लेवल बहुत ही कम है, उसका मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, उसके जो भी हार्मोन्स है वे सही से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, डायबिटीज वगैरह, बहुत सारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, इम्यूनिटी वीक होगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके साथ आएंगे, डिप्रेशन थोड़े ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। अब मान लो कि अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू ब्लैक कैसा भी हो जाए, अगर एक चोट का निशान है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपने आप यहाँ पे अगर पूरा नीला जैसा हो गया है अंगूठा, या कहीं कोई लंबी लंबी लाइनें, सीधी सीधी लाइनें ऐसी ऐसी नीली है, तो ऐसे में क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी ऐसी लाइनें आ जाए
तो ऐसी स्थिति में सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, आपके हृदय से संबंधित समस्या वो कोई दर्शाती है। ऐसी स्थिति में आपके जो हर्ट है, हर्ट से संबंधित आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, और शरीर में ऑक्सीजन की घोर कमी ये दर्शाती है। जब भी ऑक्सीजन आपका बॉडी में कम होगा तो ये सब समस्या आपके जीवन में आएंगी, नीला पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आपके बॉडी को हो रही है, तो ये स्थितियाँ इसको बढ़ाती है। अब मान लो पूरा नीला हो गया, आपके खून की कमी को भी बताएगी, तो ये सब समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। अब मान लो कि ये पूरा एक तरीके से पीला जैसा हो गया, ठीक है, मतलब देखोगे ना तो वो पीला जैसे आकार की वो नजर आएगी, पूरा पीला नहीं होगा मतलब हल्दी जैसा, लेकिन वो पीले जैसी आकार की, मतलब लाल नहीं रहेगा, जैसा पिंकिश इसका कलर होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आपका ये येलो कलर अगर वो दिखाने लगे तो ऐसे में सीधा इंडिकेशन है फंगल इन्फेक्शन की। आप में जो भी बैक्टीरिया जनित जो भी समस्याएं हैं वे आपके जीवन में हो सकती है, आंख नाक कान इन सब से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, डायबिटीज के मौके को ये काफ़ी बढ़ाती है। एक तरह से साइन है कि डायबिटीज आने वाला है, या डायबिटीज से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं, या ऑलरेडी है तो बढ़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अब मान लो कि इसी पे अब आते हैं चौथे उंगली पे, यहाँ पे अगर कहीं पे व्हाइट स्पॉट है, देखो कि आप कभी कहीं पे एक छोटा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, उस स्थिति में क्या होता है, ये अगेन आपके विटामिन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम से होता है। जब भी व्हाइट स्पॉट आए तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं विटामिन की हमारे बॉडी में कमी है, एलर्जी वगैरह चरम पे है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और जब भी आता है ना, मैक्सिमम आपके हाथों में आप 14 डेज टू 21 डेज, 2 टू 3 वीक्स आपके हाथों में ये रहेंगे आपके नेल्स पे, और इसके द्वारा जब भी आएंगे ना, उससे पहले से आपको एलर्जी जैसा महसूस होगा, कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं पेन होगा, कुछ इचेज होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे, जिसके कारण, और आप जब अपने नेल्स देखोगे तो अपने पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो व्हाइट स्पॉट होते हैं। तो ये बॉडी के अंदर की अंदरूनी कुछ समस्याएं होती है ना जो कि बढ़ने वाली होती है, उसको ये दर्शाते हैं, तो इसके द्वारा आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा यहाँ पर किनारे की स्थितियों को, अगर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये अंगूठे टूटे फूटे हो, कटे हो, यहाँ से भी और आगे जाके पूरी तरीके से खड़े होके कट चुके हो, ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। ऐसे में स्किन डिजीज बहुत ही ज़्यादा चरम पे होते हैं, स्किन रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, वे सब जातक को घेरने वाली होती है, वे सब समस्याएं आपके जीवन में आने वाली होती हैं। तो जब भी अगर क्रैक करें तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर से संपर्क करें, कंसल्ट करें, हमारे आयुर्वेद में इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चेक करते हैं, तो इसके द्वारा हमें बेहतर तरीके से पता चल जाता है, क्योंकि जब वो आते हैं तो सबसे पहले हम अपनी उनकी प्रकृति चेक करते हैं कि वे हमारे तीनों भाग में से किस प्रकृति के वात पित्त कफ कहाँ से हैं, फिर उसके बाद जैसे होते हैं उस अनुसार उनका अलग अलग तरीके से उपचार करा जाता है। जैसे कि आप मान लो वात प्रकृति के हो तो आपने कफ सर्दी हो रखी है, तो जो हम पित्त प्रकृति के व्यक्ति को जो कफ का जो औषधि देंगे वे आपको हम नहीं दे सकते। तो इसमें ना आयुर्वेद में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं अलग अलग, हम इसमें मरीज का जो भी पेशेंट है उनका वेट से लेके, उनकी हाइट से लेके, उनके एज से लेके, उनके जेंडर से लेके हर कुछ चेक करते हैं, फैमिली हिस्ट्री वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद हम कहीं किसी नतीजे पर पहुँच के और फाइनली डायग्नोज करके उसके बाद आपको हम मेडिसिन देते हैं। तो बस इसका यही प्रभाव है, इसका बिल्कुल है मतलब नहीं है कि अगर ये चांद यहाँ पे पूरा है तो आप बुद्धिमानी में चाणक्य से आगे हो, और ये नहीं है तो बस आप में कुछ नहीं है दिमाग, ऐसा नहीं है। बस ये रहता है ना तो व्यक्ति थोड़ा हैप्पी रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही है तो आप खुश रहोगे, मेटाबॉलिज्म वीक है तो हमेशा आप उदास रहोगे, कुछ आपको करने में मन नहीं लगेगा, तो क्या होगा कि कहीं भी आप कुछ हो भी रहा है तो आपका दिमाग वहाँ पे नहीं रहेगा, आपका दिमाग हमेशा आपके पेट में रहेगा, या जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रहेगा, या जहाँ पे थकान है वहाँ पे रहेगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि आपकी तो बॉडी एकदम टू टाइट रहेगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान रहेगा तो दिमाग आपका तेज चलेगा, इस स्थिति में आपका दिमाग तेज चलेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप माने जाओगे कि आप बेवकूफ, लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग सबके पास होता है, बस वही है कि अभी कंडीशन थोड़ी सी वीक है, इसको सही करें, थोड़ा आहार सही करें। देखिए हमारे आयुर्वेद में क्या है ना कि दो चीजें कहा जाता है, आहार और विहार, आप जो फूड्स लेते हो सो, और उसके बाद आपका घूमने फिरने का तरीका क्या है, आप कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, कैसा खाते हो, इन सब चीजों पे निर्भर करता है। तो
सबसे बड़ी बात है कि आहार सही होना चाहिए, फूड सही होनी चाहिए, इसके अलावा विहार सही होना चाहिए, मतलब जो काम कर रहे हो वो एकदम सही हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और जोड़ देता हूँ कि इसमें व्यवहार होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को समझे और प्यार से बात करें, अच्छी तरीके से बात करें, और कोई भी कितना भी टफ सिचुएशन आए ना तो हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपके दुखी होने से सिचुएशन बदलने वाले नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप खुश रहोगे तो पॉसिबल है कि सिचुएशन अच्छे हो जाएंगे, पॉसिबल क्या होनी ही है, क्योंकि जब आप खुश रहते हो ना, कभी ट्राई करके देखना, खुश रहोगे तो कोई मुसीबत आएगी ना, आपके पास 10 सोल्यूशन आएंगे दिमाग में, लेकिन वही आप दुखी रहोगे ना तो मामूली बात के भी सोल्यूशन आपके दिमाग में नहीं आएंगे, आप भूल जाओगे उससे, तो इससे प्रॉब्लम होती है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई असर नहीं है। तो बस यही था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया, मिलते हैं फिर।